सोनम शर्मा, मेडिकल आई वी सोनम शर्मा के चैनल के माध्यम से आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जब धन का नाम आता है, पैसे का नाम आता है, मनी का नाम आता है, लग्जरी का नाम आता है, रॉयल्टी का नाम आता है, तो दिन हमें अगर उपाय करना हो तो याद आता है दिन शुक्रवार यानी फ्राइडे। फ्राइडे का जो दिन है वो माँ लक्ष्मी का दिन है, ठीक है। अब माँ लक्ष्मी यानी धन की देवी, ठीक है। अब इस बार की जो जन्माष्टमी है वो भी आ रही है शुक्रवार के दिन, तो जन्माष्टमी में हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में बरकत भी बनी रहे और धन, अपार धन भी बरसे। दरवाजे ऐसे खुले कि बस एक बार लक्ष्मी आना शुरू हो जाए फिर कभी ना रुके, ऐसा तो हम सब चाहते हैं। तो आते हैं मेन हमारे टिप की बात करते हैं। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी के दिन 19 तारीख को, दिन शुक्रवार को, आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी मिश्री लेनी है, थोड़ा सा माखन लेना है। आपको इन दोनों चीज़ों को चाहे आप अलग अलग रखिए या फिर मिक्स कर लीजिए और बीच में एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डालिए, क्योंकि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने से पहले अगर तुलसी का पत्ता बीच में ना हो तो वो भोग अधूरा माना जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ों के साथ तुलसी का पत्ता भी एक रख कर आप श्री कृष्ण भगवान जी को भोग लगाइए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो सूखा नारियल होता है, बिल्कुल गोल सा होता है ना सूखा नारियल बिना पानी का, जो ड्राई फ्रूट वाली शॉप से भी आपको इजीली मिल जाएगा, अब आपको उसको बीच में से कट करना है। जब आप उस नारियल को बीच में से कट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दो कटोरी बन जाएगी लाइक दिस, है ना। अब मैं एक कटोरी आप फिर कर सकते हो, जस्ट इमेजिन, क्योंकि मैं इमेजिन ही कराने में शेर हूँ या शेख नहीं हूँ। तो आपको ये जो दो कटोरी बन जाएंगे लाइक अ बाउल बन जाएंगे, अब आपको उसमें वाइट कलर का, देखिए अब इसमें आपको वाइट कलर का ही जो चीनी होती है, वो जो चीनी बूरा होता है वही यूज़ करना है, ब्राउन चीनी बूरा या शक्कर आपको यूज़ नहीं करनी है। तो आपको इसमें भी वाइट कलर का चीनी बूरा ऐड करना है, इसमें भी बाउल में वाइट कलर का चीनी बूरा ऐड करना है। अब आपको ये दोनों को अगेन से इस तरह से इकट्ठे कर लेना है। देन आपको अब इसमें कलवा जो मौली होती है वो इस तरह से पूरी तरह से लपेट देनी है, बांध देनी है। अब आपको इसे भी क्या करना है, किसी सुनसान जगह पे जाना है, मिट्टी, अगर वो मिट्टी गीली होती तो बहुत अच्छा है, उस मिट्टी में आपको दबा देना है। अब जब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, घर आ जाएंगे शांतिपूर्वक चुपचाप, आपको घर आ जाना है, जैसे जैसे उस चीनी को, उस नारियल को चींटियां खाएंगी, आप देखेंगे आपके घर में धन को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो मनी की ब्लॉकेजेस आ रही थी, वो सॉल्व होनी शुरू हो गई है और आपके घर में बरकत भी आनी शुरू हो गई है। ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ दोस्तों कि आपके लाइफ में जो भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जो भी मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस थी, वो खत्म हो गई है। तो दोस्तों, इस बार के जन्माष्टमी में आपको यही बोलना चाहूँगी, राधे राधे।